से डंके की चोट पर और अब बात करते हैं झारखंड में सूखे जैसे हालात पर। सड़क से सदन तक बीजेपी ने हंगामा किया है और जल्द से जल्द सरकार से राज को जो है मांग कर रही है बीजेपी कि सरकार इस मामले में त्वरित एक्शन ले और सरकार ये सुनिश्चित करे कि झारखंड के किसानों को किस तरह से आगे सरकार लाभ पहुंचाने वाली है। बीजेपी विधायकों ने राज को अकालग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया, वहीं सदन के भीतर भी हंगामा देखने को मिला। सदन में सुखाड़ पर चर्चा भी हुई लेकिन बीजेपी ने यह कहते हुए कि अब चर्चा नहीं बल्कि एक्शन की जरूरत है सदन का वॉकआउट कर दिया, जिस पर सीएम ने तंज कसा है। झारखंड में सुखाड़ पर सदन में संग्राम, बीजेपी की अकाल घोषित करने की मांग। झारखंड के सुखाड़ के हालात की गूंज सदन में भी सुनाई दी। बीजेपी ने राज्य को अकालग्रस्त घोषित करने की मांग की और इसको लेकर विधानसभा परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कोडरमा विधायक नीरा यादव का एक अलग अंदाज देखने को मिला। नीरा यादव ने सर पर टोकरी और गोद में बच्चे के तौर पर एक पुतला लेकर प्रदर्शन किया। झारखंड में अकाल पड़ है लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुतल है। ए चुप रह मैया, चुप रह, चुप रह। ई मैया हमर कांदे लाई गे पौर साल कर जे मड़ुआ और चाउर बाचल रहे सेके बनाए के आई ली। न सिर्फ सदन के बाहर बल्कि सदन के भीतर भी बीजेपी विधायकों ने राज्य को अकालग्रस्त घोषित करने की मांग की। सदन में सुखाड़ पर चर्चा भी हुई लेकिन बीजेपी ने इसका बहिष्कार कर दिया। बीजेपी का कहना है कि अब चर्चा का वक्त नहीं है बल्कि सीधे एक्शन लेने की जरूरत है। झारखंड में सुखाड़ की स्थिति, अकाल की स्थिति है और अकाल क्षेत्र घोषित किया था झारखंड को। जो यहाँ के लघु किसान है, मध्यम किसान है, उनको ये लाभ दिया जाता है। इसमें चर्चा करा के सिर्फ और सिर्फ ये ड्रामा, नाटक और नौटंकी करने का काम कर रहे हैं। सरकार की मनसा पवित्र नहीं किसानों को लेके, इसलिए हम लोगों ने बहिष्कार किया। हम लोग झारखंड प्रदेश को अकाल घोषित करवाना चाहते हैं। अब सुखाड़ की स्थिति नहीं रही, अब अकाल की स्थिति है। परिस्थितियां बदल गई हैं। धान के बिछड़े मर गए या तो चरा रहे हैं मवेशियों के द्वारा। मकई, अरहर, तिल, जितना भी फसल होता है किसानों के बर्बाद हो चुके हैं। झारखंड के जो भी माननीय विधायक चुन करके आए हैं, सारे लोग सहमत हैं कि अकाल की परिस्थिति बन चुकी है। सरकार के पदाधिकारियों का जिलावार रिपोर्ट आ चुका है। ऐसी परिस्थिति में चर्चा करा करके सदन का समय क्यों जाया करें? हम लोगों ने कहा कि अब मुख्यमंत्री उठे और एक लाइन में घोषणा करें कि झारखंड प्रदेश अकाल क्षेत्र घोषित किया जाता है। सुखाड़ से अब काम चलने वाला नहीं है। सुखाड़ वर्तमान में अल्पवृष्टि सुखाड़ का स्थिति लाया, क्योंकि फसल का उत्पादन नहीं होगा और फसल का उत्पादन ना होने से दो लोग प्रभावित होंगे, ये तो किसान प्रभावित और मजदूर प्रभावित होंगे, तो ये दोनों का प्रभाव आगे साल पड़ता है। बीजेपी ने सुखाड़ पर चर्चा के दौरान सदन का वॉकआउट कर दिया, जिस पर सीएम ने तंज कसा, साथ ही कहा कि ये लोग असली किसान नहीं है। वहीं सदन में चर्चा के दौरान सीएम ने कहा कि सुखाड़ पर विधायकों के सुझाव पर सरकार जरूर कार्रवाई करेगी। निश्चित रूप से आपके उन सुझावों को सरकार गंभीरता से लेगी और उस विचार उपरांत बृहत पैमाने पे राज्य के किसानों के प्रति क्या बेहतर निर्णय होगा सरकार निर्णय लेगी। मानसून की बेरुखी से किसान परेशान है। खेत में बिचड़े सूख गए हैं, खेतों में दरारें पड़ गई हैं। राज्य में अब तक 15% से कम रोपनी हो सकी है। ऐसे में किसान सरकार की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं लेकिन किसानों की उम्मीद पर भी सियासत भारी नजर आ रही है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन और राजेश कुमार की रिपोर्ट। सहयोगी राकेश हमारे साथ बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, बीजेपी को लगता है, राज्य के मुख्य विपक्षी पार्टी को लगता है कि राज्य में अब सुखाड़ के आसार नहीं है बल्कि अब राज को अकालग्रस्त घोषित किया जाना चाहिए। क्या सरकार को भी ऐसा लगता है? क्योंकि हाउस के अंदर काफी जो है प्रदर्शन और हंगामा इस मामले को लेकर देखने को मिला है। नहीं, बिल्कुल जिसान, देखिए आज बीजेपी के जो तेवर थे वो सुबह से ही तल्ख थे और सुखाड़ को लेकर के हैं या अकाल की जिस बात की चर्चा या जिस बात की मांग बीजेपी कर रही है उसको लेकर हाउस के अंदर और हाउस के बाहर दोनों जगह पर बीजेपी के जो विधायक थे वो जोर शोर से प्रोटेस्ट करते नजर आए। आपने देखा होगा कि तमाम जो विधायक थे वो किसान की वेशभूषा में पहुंचे थे, धोती, गमछा और गंजी के साथ पहुंचे थे। महिलाएं, जो बीजेपी की जो महिला विधायक है, खासतौर पर नीरा यादव की अगर हम बात करें
तो वो एक सब्जी वाली बनकर पहुंची थी। तो वस्तु स्थिति को दिखाने की कोशिश अपने प्रदर्शन के माध्यम से बीजेपी करना चाह रही थी और सदन के अंदर बार बार इस मुद्दे को लेकर, इस मांग को लेकर कि वर्तमान में जो हालात है राज्य के वो सुखाड़ की तरफ नहीं है, वो अकाल की तरफ जा रहा है, लिहाजा राज्य सरकार को अब ज्यादा देरी न करते हुए राज्य को अकाल घोषित करना चाहिए। तो इस मांग को लेकर लगातार बीजेपी के जो विधायक थे वो बेल में आ जा रहे थे, बार बार हाउस जो है वो एग्जर्ट भी करना पड़ा। तो बीजेपी की जो मांग है वो स्पष्ट है कि जो वस्तु स्थिति है, जो वर्तमान हालात है, जिस हालात में 40-50 फीसदी से भी कम बारिश हुई है, ऐसे में पूरा राज्य जो है वो सुखाड़ की स्थिति से नहीं अब अकाल की स्थिति की तरफ बढ़ रहा है, लिहाजा राज्य सरकार को चर्चा न कराते हुए इस पर अब एक्शन लेना चाहिए, यानी अब राज्य सरकार को यह घोषणा करना चाहिए कि झारखंड जो है वो अकाल की तरफ बढ़ रहा है, झारखंड में अकाल की स्थिति है। तो इसको लेकर जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है बीजेपी वो लगातार राज्य सरकार पर हमलावर रही, चाहे आप सदन के बाहर कह ले या सदन के अंदर कह ले। सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया कि सरकार इसको लेकर गंभीर है, सरकार के मंत्रियों ने भी कहा कि जो गठबंधन की सरकार है राज्य की वर्तमान हालात से वाकिफ है, तमाम जिलों से रिपोर्ट्स मंगाए जा रहे हैं, उन रिपोर्टों का अध्ययन किया जा रहा है और उसी को लेकर आज विशेष चर्चा की बात हाउस में रखी गई थी, सुखाड़ को लेकर विशेष चर्चा होनी हुई भी, लेकिन विपक्ष ने, जो बीजेपी है प्रमुख विपक्षी पार्टी, उन्होंने वॉकआउट कर दिया इस मांग के साथ कि चर्चा की जरूरत नहीं है, हालात सुखाड़ जैसे नहीं है, हालात अकाल की तरफ जा रहा है, लिहाजा राज्य सरकार को अकाल को लेकर घोषणा करना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष की अपनी दलीलें हैं, उनको लग रहा है कि पहले आकलन होना चाहिए, तमाम जिलों से रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद सरकार तमाम चीजों पर आकलन करेगी और उसके बाद सरकार का क्या एक्शन होता है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस अकाल और सुखाड़ के बीच में जो सूबे की सियासत है वो गर्म रही, सुबह से शाम तक गर्म रही, सदन के अंदर भी गर्माहट महसूस की गई जिशान और सदन के बाहर भी गर्माहट महसूस की गई। और उम्मीद ये भी है कि इस मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी जो है वो सरकार को, बीजेपी के जो विधायक है वो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहना है कि वो आकलन कर लेना चाहती है, एक बार ये पता लगा लेना चाहती है कि कहां कहां ऐसी स्थिति बनी है, उसके बाद फिर उम्मीद भी यही है कि वैसे क्षेत्रों के किसानों को राहत पहुंचाने का काम सरकार करे, जिससे कि उन्हें बारिश नहीं होने की वजह से, फसल नहीं होने की वजह से जो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा उनसे उन्हें फौरी राहत मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका राकेश, तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।